अंडर आर्म्स की प्रॉब्लम है या फिर अलग कोई प्राइवेट पार्ट जहाँ पर अगर आपकी डार्कनेस हो चुकी है लाइक एल्बो, नीज, अंडर आर्म्स, इनर थाइस या फिर आपकी नेक एरिया, जहां पर भी आपकी डार्कनेस हो चुकी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। अंडर आर्म्स आपके डार्क हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, तो वो बन जाता है हमारा एम्बैरेसमेंट का रीजन। स्किन ब्लेमिशेस, डिस्कलरेशन, ये सारे हमारे अंडर कॉन्फिडेंट होने के रीजन बन जाते हैं। पब्लिकली सोशलाइज करने में एम्बैरेसमेंट फील करने लग जाते हैं। सो अगर आप इस एम्बैरेसमेंट से बचना चाहते हो तो इसे करो डेली अप्लाई एंड इसके अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे। जो डार्कनेस वाली लेयर है ना उसको अच्छे से रिमूव कर देता है। चाहे तो आप एक ही बार में इसे बना के स्टोर करके रख लो एक सेफ प्लेस पे, अदरवाइज आप डेली भी बना सकते हो, चुटकियों में बन जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अनदर यूजफुल वीडियो विद यू। यस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर हाउ यू कैन रिमूव योर डार्कनेस फ्रॉम नीज, एल्बोज, इनर थाइस, अंडर आर्म, नेक एरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिस जिस पार्ट में आपकी डार्कनेस हो चुकी है, एक ब्लैक लेयर आ चुकी है, उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो। काफी लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि जब हम छोटे होते हैं, बचपना होता है, तब हमारा स्किन टोन इवन होता है। हमारा जैसे फेस का कलर होता है वैसे ही हमारा अंडर आर्म्स का, इनर थाइस का, एल्बोज, नीज का कलर होता है, टोन होता है। पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, प्यूबर्टी को क्रॉस करते हैं, एडल्ट होते हैं, हमारी एज इंक्रीज होती है, वैसे वैसे हमारे इन प्राइवेट पार्ट्स का कलर भी डार्क होने में लगा रहता है। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस, बट कुछ केयरलेसनेस की वजह से भी हमारी स्किन और ज्यादा डार्क होती जाती है। तो वो रीजंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट रीजन इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन मीन टाइट क्लोथ्स। फैशन को फॉलो करते करते हम टाइट क्लोथ्स यानी कि टाइट कपड़े पहनना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारी स्किन बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं ले पाती है एंड उसमें स्वेट बहुत ज्यादा होने लग जाता है। उसका सॉल्यूशन ये है कि हमें कभी कभी लूज टी शर्ट, लूज जीन्स भी पहनने चाहिए। नेक्स्ट रीजन इज डेड स्किन। डेली शावर तो लेते हैं, फेस स्क्रबिंग भी करते हैं, बट हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करते हैं। हेयर के ऊपर लेयर जमा होती है जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लैकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वजह से हमारे अंडर आर्म्स, नीज, एल्बो, इनर थाइस, नेक एरिया ब्लैक ज्यादा होने में लगा रहता है। सॉल्यूशन इज 2-3 टाइम्स आपको वीक में एक्सफोलिएट करना है। नेक्स्ट रीजन इज केमिकल बेस्ड डियो। अपनी बॉडी में अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन इरिटेटेड फील करती है, अंडर आर्म्स भी डार्क होने में लगे रहते हैं। मेक श्योर आप जब भी डियो यूज करें तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया में अपना एलोवेरा जेल लगा लेना चाहिए या फिर कोई लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर या फिर आप कोई जेल यूज कर सकते हो। उससे आपका लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, वो कोई हार्म भी नहीं पहुंचेगा। ज्यादा हार्म नहीं चाहिए अपनी बॉडी के लिए, तो आप मेरी उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना जिसमें मैंने आपके साथ एसेंशियल रेंज का डियो के बारे में आपके साथ शेयर किया है कि वो हमारी बॉडी के लिए 100% सेफ है। रीजन इज शेविंग। शेविंग इज अ फास्ट सॉल्यूशन फॉर आवर बॉडी हेयर। इन 2 डेज में ही हमारा हेयर रीग्रोथ हो जाता है। सॉल्यूशन में आपके साथ यही बोलूंगी कि आपको वैक्सिंग जरूर करनी चाहिए, उससे अच्छे से हमारा हेयर पुल भी हो जाता है, वैक्सिंग से आपकी हेयर ग्रोथ भी स्लो डाउन हो जाती है। अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आपका मेलानिन इंक्रीज होता है जिसकी वजह से डार्कनेस भी ज्यादा होने लगती है। कोई डिजीज है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाती है। अगर आपका मेलाज्मा की प्रॉब्लम है तो आपके डार्क पैचेस पड़ने लग जाते हैं। सारे रीजंस को आपको ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेस को फॉलो करना है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपके साथ शेयर करूंगी, इन सब में मुझे डिस्काउंट मिला है। अगर आप भी जानना चाहते हो मुझे डिस्काउंट कैसे मिला है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड में मैं आपको बताऊंगी मुझे बेनिफिट कैसे मिला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले आपको ये चीज जरूर करनी है, रेड कलर के बटन को प्रेस कर दो, इट्स टोटली फ्री, एंड हिट द बेल बटन जिससे आप नोटिफाई होते रहेंगे। डू नॉट स्किप द वीडियो। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है एक एम्प्टी बोल एंड एक स्पून लिया है मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मेरा बेसन, तो मैंने 1 स्पून बेसन लिया है। तो आप अपने बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पर आपके ब्लैकनेस है उसके अकॉर्डिंग आप इसका क्वांटिटी इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 1/4 स्पून हल्दी ली है सोल फ्लेवर की। तो आप इस अकॉर्डिंग अपना मैनेज कर सकते हो कि आपका कितना क्वांटिटी इसमें बनेगा। देन इसको पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल लिया है, फ्रूट ऑफ द अर्थ का। सिर्फ पेस्ट बनाने के लिए ही मैंने यहाँ कोकोनट ऑयल को इसमें मिक्स किया है। आप चाहो तो यहाँ पर सोल फ्लेवर का हनी भी ले सकते हो, वो भी अच्छा वर्क करता है। देन मैंने यहाँ पर असेंशियल का टी ट्री ऑयल का 1 ड्रॉप ही मिक्स किया है, जिससे इसका जो रिजल्ट होगा ना वो मुझे डबल मिलेगा। चारों इंग्रेडिएंट को मैं मिक्स कर दूंगी एक अच्छा से कंसिस्टेंसी, जब तक इसकी बन ना जाए तब तक मैं इसको मिक्स करूंगी। कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होगी तो मैं मेरा जो पैक होगा वो रेडी हो जाएगा। तो या आपने देखा ना कि कितने सेकंड्स में ये पैक बन जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, नहाने से पहले से अप्लाई कर लेती हूँ वॉशरूम में जहाँ पर भी मुझे अप्लाई करना होता है। देन मैं 5-10 मिनट्स के लिए इसे रेस्ट देती हूँ।
इतने टाइम में मैं मेरा अदर वर्क कर लेती हूँ, लाइक अपने कपड़े वॉश कर लेती हूँ। 5 to 10 मिनट्स में ये अपना वर्क स्टार्ट कर देता है, जो ब्लैकनेस की लेयर होती है उसे रिमूव करने में लगा रहता है। जैसे ही 5 to 10 मिनट्स ओवर होंगे, मैं इसे स्क्रबिंग करते हुए रिमूव कर दूंगी, देन उसे वॉश ऑफ भी कर लूंगी। तो जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, उन सबका फुल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो ऑलरेडी शेयर है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके चेक कर सकते हो। इन सारे प्रोडक्ट्स में आपको गुड प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, लाइक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी सेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारी स्किन के लिए काफी इफेक्टफुल वर्क करते हैं। डेली इसे अप्लाई करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। आई होप आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इन सारे प्रोडक्ट से मुझे कैसे डिस्काउंट मिला है। मैंने किया है मोदी केयर को ज्वाइन, तो ज्वाइन करने के बाद से मुझे ये सारी फैसिलिटी मिल जाती है। सो अगर आप भी बेनिफिट पाना चाहते हो, मोदी केयर को ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड कॉन्टैक्ट आपको ज्वाइन करने के रिगार्डिंग ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है। सो या वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही तो मेक श्योर मेरी वीडियो को भर भर के लाइक दे दो, मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। यहाँ पर रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा उसको भी हिट कर दो, डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप एक भी वीडियो मेरी मिस नहीं कर पाएंगे। सो या टिल देन बाय बाय।